नमस्कार, मैं मनिका देवी आसाम से। हम लोग सभी आर्टिस्ट या सभी लोगों का भी जो माहौल है कोरोना वायरस का, इसी माहौल के वजह से हम लोग सभी बहुत डिस्टर्ब्स है और सभी लोग बहुत लोगों को बहुत ही परेशानी हो रहा है। तो हम लोग को, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी लोग इसी महामारी से जल्दी मुक्त हो जाए। तो फिर भी हम लोग को तो कुछ ना कुछ करते रहना ही होगा। हम लोगों को धीरे धीरे इसी महामारी के साथ रह के हम लोग को आगे बढ़ते भी जाना है। तो हम लोग सभी जगह पे अलग अलग आर्टिस्ट हो या बाकी फील्ड का जो लोग हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ अपने आप में कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते रहे, लोगों को सपोर्ट भी करते रहे। तो हम लोग भी यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ किसी किसी को, जहाँ जिनको हेल्प करना चाहिए हेल्प भी कर रहे और अपना काम भी थोड़ा बहुत करना चाह रहे। ऐसे हम लोग हमेशा, जब ऐसा माहौल नहीं होता है तो कभी भी कुछ फेस्टिवल होता है तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बाहर भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नया पुराना सब। उनमें से आसाम में और एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नित्यांजलि अकादमी बोल के। तो ये नित्यांजलि अकादमी में हम 3 जन आर्टिस्ट मिलके बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अदिति चक्रवर्ती, प्रवीण कुमार नाथ एंड मैं खुद। हम लोग तीनों मिलके बहुत सालों से आर्ट रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं हर साल, कर भी रहे अभी तक। तो इस साल भी हम लोगों ने सोचा है कि जब हम लोग ओपनली कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग ऑनलाइन में कुछ करें प्रोग्राम। तो ये 20 तारीख को रिलेट करके हम लोगों ने ऑनलाइन में एक ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए पूरा तैयारी में है अभी। तो 20 तारीख हम लोग के लिए, आसाम के लोगों के लिए खास दिन है, क्योंकि उसी दिन यहाँ के एक बहुत लेजेंडरी पर्सन है विष्णु राभा, उनका मृत्यु तिथि को दिन को लेके यहाँ पे राभा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि विष्णु राभा एक ऐसे पर्सन थे जो ऑलराउंडर थे, डांसर भी थे, कविता भी लिखते थे, पेंटिंग भी करते थे, ड्रामा लिखते थे, खुद ड्रामा करते थे, तो बहुत सारा गाना लिखे थे उन्होंने, जो गाना असमिस कल्चर का एक महत्वपूर्ण गाना है। ये सब जो हम लोग उसको छोड़ के हम लोग का कल्चर का शुरुआत भी नहीं होता है, ऐसे बोला जाता है हम लोग देख के आ रहे हैं बचपन से। तो विष्णु राभा दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि एक बड़ा फेस्टिवल हो, डांस कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन, कविता की कंपटीशन। तो हम लोग इसी को रिलेट करके, 20 तारीख को रिलेट करके ऑनलाइन में जो एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उसमें डांस, म्यूजिक, पोएट एंड कुछ रिसर्च पर्सन है, उन लोगों का भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेंगे। ये जो हम लोग ऑनलाइन पेज सबको, सबका सामने दिखाना रखना चाहते हैं, तो उसी के कुछ प्रिपरेशन चल रहा है। तो नित्यांजलि अकादमी ऐसा सभी लोगों के साथ मिल के कुछ करने का हम तीनों का हमेशा कोशिश रहा है कि हम लोग ऐसे मिलजुल के हम लोग कुछ करें, जिसमें बहुत सारे लोग आके मिले हम लोग के साथ, एक साथ जुट के कुछ काम करें, ऐसा ये हम लोग तीनों का हमेशा प्रयास रहा है। तो उसी प्रयास में हम लोग पहले भी बहुत कुछ किया था, 2015 में हम लोगों ने 50 डेज का प्रोग्राम किया था नित्यांजलि अकादमी के थ्रू। तो उसमें हम लोग 1100 थे, 11 आर्टिस्ट अलग अलग स्टेज से थे। फिर एक लास्ट डे हम लोग 4 डेज का एक इंटरनेशनल शो भी किया था, जिसमें 100 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किया था। फिर उसमें हम लोगों ने आर्ट एक्टिविटीज, जैसे कि आर्ट वर्कशॉप था सीनियर आर्टिस्ट का, यंग आर्टिस्ट का वर्कशॉप था, डांस का वर्कशॉप था, राइटिंग का वर्कशॉप था, तो कुछ परफॉर्मेंस था जो कॉलेज और स्टूडेंट लेवल का लोग वहाँ पे करते थे। मूवीज दिखाए थे, मूवी कंटिन्यू हम लोग मूवी दिखाते थे इवनिंग। तो 50 डेज में ऐसा एक माहौल बन गया था कि बहुत हम लोग को, कल्चर डिपार्टमेंट हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे 50 डेज में, क्योंकि उन लोग का उसी कैंपस में हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम किया था। तो बाकी सभी फील्ड के लोग,
सभी फील्ड के लोग आके हम लोग के साथ इतने अच्छे तरह से हम लोग को सपोर्ट करके वो प्रोग्राम हम लोग का आगे लेके गए थे सभी लोग। तो अभी भी हम लोग को सभी लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग फिर से और एक बार ऐसा प्रोग्राम करें, क्योंकि 50 डेज बहुत मुश्किल बात थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से 50 डेज का वो प्रोग्राम किया था। तो इसलिए हम लोग ऐसा हमेशा चाहते हैं कि कुछ अलग कुछ करने की कोशिश रहता है हम लोगों के बीच। तो इस बार भी ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है, इसमें हम लोग का खास करके आर्ट का सेक्शन जो है, फाइन आर्ट एग्जीबिशन, उसमें हम लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। बाकी इंक्लूडेड तो रहेंगे, तो उसमें साइंस सेक्शन है। और ये जो एग्जीबिशन में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया का, और कुछ बाहर का भी है, इंडिया से बाहर का, विदेश का कुछ दो एक कंट्री से भी है। तो सभी लोगों का जो सपोर्ट है, उसी के वजह से हम लोग ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं अभी। तो आप लोग 20 तारीख को ऑनलाइन में हम लोग ये पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। हम लोग का नीतांजलि एकेडमी का एक पेज भी है फेसबुक में, आप लोग सभी वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हम लोग ये नीतांजलि एकेडमी का जो मोटो है, जो हम लोग सब मिल के काम करें, हमेशा जुड़ते रहे हम लोग मिल के, कुछ ना कुछ करते रहे क्रिएटिव फील्ड में। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें अभी तक सभी लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट करके आए हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि आगे तक भी हम लोगों को सभी लोगों का ऐसा सपोर्ट और आशीर्वाद मिले सबका, तो हम लोग आगे बढ़ते जा सकते हैं सब लोग। नीतांजलि की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे एक साथ। नमस्कार।